दोस्तों अगर आप भी सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के पहले ही मैच में इंडियन लेजेंड्स टीम को जिताने के बाद सुरेश रैना ने अपने बयान में धोनी से लेकर आईपीएल को खेलने तक पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई भावुक हो गया। क्या बोले भावुक सुरेश रैना अपने बयान में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सुरेश रैना को आईपीएल 2023 का हिस्सा बनाना चाहिए और उन्हें खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और शुरू हुआ है एक बहुत बड़े धमाके के साथ। आपको बता दें कि इंडिया लेजेंड्स की टीम ने ऐसा परफॉर्म किया है जिसे देखकर धोनी तो क्या, रोहित और कोहली भी शर्मा जाएं। दोस्तों लेजेंड्स के बीच में ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेला गया। पहला मुकाबला कानपुर में था तो जाहिर सी बात है क्राउड तो आना ही था। पूरा स्टेडियम इतना भरा हुआ था कि कदम रखने की जगह नहीं थी। खैर दोस्तों मुकाबले की शुरुआत हुई तो भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आई। नमन ओझा ने तेंदुलकर के साथ मिलकर एक अच्छी शुरुआत दिलाने का प्रयास किया और 20 से 21 रन भी बनाए। उधर दोस्तों तेंदुलकर 16 रन ही बना पाए थे, लेकिन उनके बाद जो मैदान में आए असली मैच तो उन्होंने पलटा। हम बात कर रहे हैं सुरेश रैना और स्टुअर्ट बिने की। दोस्तों खास तौर पर रैना ने मैदान में आते ही चौके और छक्कों की ऐसी बारिश करी कि बिनी का भी कॉन्फिडेंस खुल गया। रैना तो 232 रन लगाकर गए और अपनी पारी में कई छक्के व चौके लगाए, जिसके बाद फैंस तो ये दुआ कर रहे हैं कि रैना किसी भी तरीके से आईपीएल में खेलने आ जाएं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि बिनी ने भी लगभग 82 रन बनाए और यूसुफ पठान भी 15 गेंद में 35 रन लगा गए थे, जिसके चलते हमारा स्कोरबोर्ड पर 217 का आंकड़ा टच कर चुका था। जाहिर सी बात है इतना बड़ा लक्ष्य चेज करने के लिए साउथ अफ्रीकी टीम को धुआंधार पारियों के साथ अच्छी खासी बड़ी पार्टनरशिप की दरकार थी। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज कौन सा कम थे। आपको बता दें कि 120 रन के दायरे के अंदर अंदर राहुल शर्मा के नाम 3 विकेट रहे तो वही प्रज्ञान ओझा 2 विकेट ले गए और युवराज सिंह ने भी बल्ले से कुछ नहीं कर पाए तो गेंदबाजी से एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया। और फिर दोस्तों कुछ इसी तरीके से 90 या 100 रन के अंतर से हमारी टीम ने इस मुकाबले को जीत भी लिया। दोस्तों जीत के हीरो तो कहीं है, लेकिन ध्यान सबका केवल एक ही खिलाड़ी पर था और वो है चेन्नई के चिन्ह थाला यानी कि सुरेश रैना। हर कोई जानता है कि रैना में कितना क्रिकेट बचा है और इसीलिए उनसे जब पूछा गया आईपीएल खेलने पर तो उन्होंने अपने बयान में ऐसा कुछ कह दिया कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सुरेश रैना ने मैच जिताने के बाद अपने बयान में कहा, एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट के मैदान पर जर्सी पहनकर उतरकर शॉट्स लगाने का फैन के आगे एक्सपीरियंस अलग ही होता है। इस लम्हे का अनुभव करने के लिए मैंने सालों का इंतजार किया और खुश हूं कि एक बार फिर से अपने देश के लिए यानी कि इंडिया लेजेंड्स के लिए ही खेलने का अवसर तो मिला। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ मैं इंडिया लेजेंड्स की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे टीम में होने के लायक भी समझा। मुकाबला वाकई में रोमांचक था, विरोधी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी टीम का टीम वर्क ज्यादा बेहतर था। जिस हिसाब से बिनी ने बल्लेबाजी करी और यूसुफ ने अंतिम पलों में मैच को संभाला वह सराहनीय है। युवाओं को काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज। दोस्तों रैना से जब पूछा गया कि इतनी अच्छी पारी इन्होंने खेली वो तो अभी भी आईपीएल में आ सकते हैं, तो इस पर रैना ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल शायद हम आपको आईपीएल में खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन अब केवल सपनों में। इसके बाद दोस्तों रैना ने इस बात की परिभाषा समझाते हुए यह भी कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है और मुझे लगता है कि शायद आईपीएल और भारतीय क्रिकेट टीम का वक्त अब जा चुका है मेरे लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आईपीएल में सभी टीमें, सभी युवा खिलाड़ी और भारतीय टीम काफी तरक्की देखेगी। धोनी भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आईपीएल में हमेशा मुझे मौका दिया। दोस्तों सुरेश रैना ये कहते ही भावुक हो गए और हम सब जानते हैं कि उनके साथ कितना ज्यादा गलत हुआ है, परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या सुरेश रैना को चेन्नई से आईपीएल खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।